हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज, इफ एक डिटरमिनेंट दे रखा है 3 बाई 3 का, वाई एक्स वाई प्लस जेड जेड वाई एक्स प्लस वाई एक्स जेड जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर आर वन, इसको रिप्लेस करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। आर वन जो कि वाई एक्स और वाई प्लस जेड है, इसको रिप्लेस करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी यही आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हमें मिलेगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज, यानी कि जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई और जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया कॉमन में, और डिटरमिनेंट क्या बचेगी, वन वन टू जेड वाई एक्स प्लस वाई और एक्स जेड जेड प्लस एक्स। अब इसके इक्वल में दे कितना रखा है, 0। ठीक है, तो यहां पर भी इक्वल में 0 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू अगर हम इक्वल में 0 लिखें, क्योंकि ये इनटू में आ गया ना, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो कितनी मिल जाएगी, माइनस जेड। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, ये किस रिलेशन में हमें मिल रहा है, देखिए यहां पर तो दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये तो होगा नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड ये यहां पर दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।